समस्या यही है कि हम लोग का एक ये 1000 के बस्ती में 8 और 9 दोनों दलित बस्ती हैं जी। यहाँ पर बैठका के यह 1990-91 में बना हुआ था, वह ध्वस्त हो गया है। आज तक वो खपरेल हम लोग का कठिन समस्या से हम लोग को झूलना पड़ता है। एक कर कुटुम्ब रिश्तेदार घर गरीब आदमी का झोपड़पट्टी गिर जाता है तो हम लोग का रहने का भी बहुत कठिनाई होता है बाढ़ के समय। यहाँ के जो मूल समस्या है, यहाँ पे बारात हो या पूजा हो या कर कुटुम्ब हो, कोई भी अगर आता है तो यहाँ बैठता था। यहाँ पर जो ये टूटा हुआ ध्वस्त देख रहे हैं, ये लगभग बता रहे हैं कि लगभग 10 सालों से ध्वस्त पड़ा हुआ है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इनसे जब मैंने बात किया कि आपने आवेदन किसी अधिकारी को दिया, तो ये लोग स्पष्ट रूप से ये देख रहे हैं कि अभी मैंने पुष्टि कराया हूँ, इनका कहना है कि मैं कई बार यहाँ के अधिकारियों को दिया हूँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। मुखिया जी भी है, वार्ड है हमारा, यहाँ का 3-4 वीडियो साहब के यहाँ गए कंप्लेंट करने के लिए, बनेगा बनेगा नहीं। वीडियो साहब क्या बोलते हैं, हमें कि बनेगा बनेगा अभी तक बना नहीं। महिलाएं हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा कि हम महिलाएं क्या बता रही हैं। कुछ महिलाएं से मैं बात करना चाह रहा हूँ। कर कुटुम्ब आता है तो बैठाने के लिए जगह नहीं मिलती है। कैमरामैन इधर दिखाइएगा, थोड़ा भीड़ को कवर कीजिएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सैकड़ों ग्रामीण एक साथ मौजूद हैं। हालांकि पंचायत के जो गार्जियन है अंजनी कुमार सिंह, वो जो मुखिया है, उनका काम होता है इस पर पहल करना। वो यहाँ आ करके और अधिकारी के पास इसकी शिकायत भी करते हैं, लेकिन अगला अधिकारी जो विभागीय अधिकारी होते हैं मुखिया के बात पर भी पहल नहीं करते हैं। अगर पहल किए होते तो आज ये भवन जो है बनकर तैयार होता। कम से कम कितने साल से ध्वस्त है? 10 साल से। 10 साल से ध्वस्त है जी। 15 साल से ऊपर के। आप बताइएगा कितने साल से ध्वस्त है? 15 साल से। अब आप कर रहे होंगे इंतजार के मामला कहाँ के हैं, तो सीतामढ़ी जिला के बथनाहा प्रखंड मौदा पंचायत वार्ड संख्या 8 और 7 की है, जहाँ पर यह दलित बस्ती है और यहाँ की यह समस्या है, जिसके कारण से यहाँ के दलित बस्ती के ग्रामीण काफ़ी आक्रोश में दिख रहे हैं। फिलहाल ये जिला कलेक्टर से आग्रह कर रहे हैं कि इस भवन को तैयार करवा दिया जाए। बने रहिएगा हमारे ऑल इंडिया लाइव न्यूज़ के साथ, हर खबर देखते रहिए सच्चाई के साथ।